बताइए मेहता साहब, हम सब बेता पे लेटर सुनने के लिए। हाँ बताइए ना। हाँ बस, अरे मेहता साहब वहाँ क्या देख रहे हैं? बताइए ना लेटर में क्या है। अरे मेहता साहब ने बुलाया है तो लेटर में कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा ना। वही तो। ओ कम ऑन मेहता साहब, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। तारक कहिए ना कुछ। बताता हूँ, बस थोड़ी देर रुकिए। कितना वेट करना है अभी, उत्सुकता बढ़ती है उसकी। सही बात है भाई, आखिर क्या लिखा है उस लेटर में? देखिए क्या है कि वो लेटर बड़ा ही जबरदस्त है और उस लेटर की वजह से आज मेरी जान बची है। माय गॉड, जान बची है? वाकई जबरदस्त लेटर होगा। ओ मेहता साहब, अगर है गल है तो फिर लेटर के अंदर जो लिखा है तो उसे सुनाई दो। अरे भाई मैं वो लेटर नहीं सुना सकता। क्यों? अरे क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है उस लेटर में क्या है। मैं तो खुद सुनना चाहता हूँ। कब से बेताब हूँ कि पता चले उस लेटर में लिखा हुआ क्या है। आपको भी सुनना है मतलब? मतलब ये कुमल भाभी की लेटर मैंने नहीं लिखा है, लेटर जेठालाल ने लिखा है। लेटर जेठालाल के पास है और जेठालाल ने कहा कि वो सब यारों दोस्तों को एक साथ वो लेटर सुनाएगा। मैं भी इसीलिए जेठालाल का इंतजार कर रहा हूँ। लेटर जेठालाल ने लिखा है? जान तू पता नहीं कब जेठालाल आएगा और कब सुनाएगा लेटर। ये जेठालाल का हमेशा का है, कुछ को दूसरे के टाइम का वैल्यू ही नहीं है, हमेशा लेट आता है। सही बात है, जेठा भाई वेट कराते हैं और वेट करने से मुझे भूख लगती है। अरे भाई सच बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं, लेटर सुनना कैंसिल कर देते। चलो भाई चलो चलो चलो। अरे बैठो भाई, बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनोगे तो बहुत मजा। सुना ही नहीं रहे हो। धीरज रखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हैं जान बची थी, कभी कहते हैं बहुत मजेदार किस्सा। मजेदार किस्सा है? हाँ क्या मजेदार किस्सा है जरा बताइए। जेठालाल ने एक लव लेटर लिखा है। हाँ, और उस लव लेटर की वजह से न केवल मेरी जान बची बल्कि दो प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल गए। जेठा भाई ने लव लेटर लिखा है? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता जेठालाल कभी ऐसा लव लेटर लिख सकता है। अरे भाई मेरी आंखों के सामने लिखा है ये। अरे वाह जेठा जी में ये भी टैलेंट है, ये तो मुझे आज पता चला। जेठालाल टाइम पर आएगा और हमको वो लेटर सुनने को मिलेगा। अरे ख्याल से हमको चलना चाहिए। पहले ही बोल रहा था भाई, जेठालाल आता ही होगा, आ जाएगा अभी। हाँ जी हाँ जी, और ये प्रा भी थोड़ा रुक जाओ। ठीक है रुकते हैं, लेकिन कोई जेठालाल को फोन करके बोलो तो सही कि वो जल्दी आए। लगा लगा भाई भेड़े, तुम बैठे क्या हो? जेठालाल को फोन लगा। तो मैं क्यों लगाऊं फोन? ये कोई सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है, तो हमेशा है उसका लेट आने का। भेड़े काम कर, जेठालाल आएगा ना उसको 5,000 का फाइन लगा दे। क्यों क्यों भाई क्यों फाइन? आओ आओ भैया, यहाँ तो सब भाभियाँ भी मौजूद है। हाँ जेठालाल, अरे भाई वो मैंने लेटर की बात अंजलि को बताई तो अंजलि ने महिला मंडल को बताई, अब महिला मंडल जानना चाहती है कि उस लेटर में क्या लिखा है। सॉरी जेठा जी, अगर आपको पसंद नहीं तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं बबीता जी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, आए तो अच्छा लगा। वो अंग्रेजी में तो कहावत भी है ना, मोर द मारी। जेठालाल मोर द मेरियर, उसका मतलब वही ना कि जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। हाँ मतलब वही है, मतलब वही। बस तो बबीता जी मोर द मेरी है। ओके अंजलि भाभी थैंक यू, आपने सब लेडीज को भी बुला लिया। पर हाँ भाई पोपटलाल, तुम क्या 5,000 की फाइन की बात कर रहे थे? लेट आने का फाइन? अरे हाँ सॉरी सॉरी भाई, मैं लेट आया उसके लिए सबसे मैं दिल से माफी मांगता हूँ। क्या जेठालाल, पहले गलती करते हो और बाद में सॉरी बोलते हो? अरे यार भाई सॉरी तो गलती करने के बाद ही बोलते हैं ना भाई, गलती करने के पहले थोड़ी क्या सॉरी बोलता है। क्या सॉरी है भाई, मैं अभी गलती करने वाला हूँ। और भाई मैं जानबूझ के लेट नहीं आया हूँ, कुछ बाह्य कारणों से लेट हुआ हूँ। कौन से कारण जेठा? तो सब क्या हो गया आपकी हिंदी को, आपको ये शब्द पता नहीं है?
बाह्य मतलब बाहरी। नहीं नहीं बाह्य और बाहरी तो मुझे पता है, लेकिन क्या नॉर्मली तुम आंतरिक कारणों की वजह से लेट होते हो जेठाना? नहीं नहीं मैं हमेशा बाह्य यानी बाहरी कारणों से ही लेट होता हूँ। अच्छा अच्छा तो आज ऐसे कौन से बाह्य कारणों की वजह से लेट हो गए? एक तो वो पद्मावती भोजनालय से खाना लेट आया, और दूसरा मैं हम सबके लिए आइसक्रीम का ऑर्डर देने गया था। चलता है लेट तो हो ही जाता है इंसान, उसमें क्या हो गया यार भाई। जेठा भाई आपको पता नहीं था ना कि सब लेडीज भी यहाँ होंगी तो आइसक्रीम कम नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं कम नहीं पड़ेगी आती भाई, क्योंकि भले ही मुझे ये पता नहीं था कि लेडीज लोग भी आने वाले, लेकिन मुझे ये तो पता था ना कि आप आने वाले। थैंक यू इसलिए आपका मुद्दे नजर रखते हुए ज्यादा आइसक्रीम मंगाई है। छोड़ो ना भाई अंजलि भाभी, कुछ करो इनका। तुम्हें अपनी आइसक्रीम हम लेडीज के साथ शेयर करनी पड़ेगी, ओके? ठीक है। That's very sweet of you, जेठा जी। हाँ जेठा भाई, आइसक्रीम के लिए हम सब की ओर से आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या अंजलि बाबू? चलो आओ भाई बैठो यार, जेठा लाल बहुत देर हो गई है यार। तुम तो लेटर सुनाओ भाई, दोपहर से सुनने के लिए बेताब और तुम लोग डाले जा रहे हो। सुनो भाई सुनो। वैसे बड़े मास्टर तुम्हें आइसक्रीम ज्यादा पसंद नहीं है ना? अरे हाथी भाई क्या कर रहे हैं आप, बातचीत बंद कीजिए, बहुत ऐतिहासिक लेटर सुनने जा रहे हैं आप। इतिहास कहाँ से आ गया जेठा लाल? क्या है कि इस लेटर की वजह से आज मेहता साहब की जान बची है। तो आगे जाके मेहता साहब कभी भी अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो पूरा एक प्रकरण ये लेटर खा जाएगा। तो हुआ ना ऐतिहासिक लेटर। तो जेठा भाई मेहता साहब को हुआ क्या था वो तो डिटेल में बताइए ना। हमें सब सविस्तार सुनना है। हाँ। ले तो ये लेटर के पूर्व भूमिका अंजलि भाभी ने नहीं बांधी थी, मतलब नहीं बताई थी? नहीं अंजलि भाभी ने तो हमें नहीं बताया, तो आप जरा बताइए ना। ठीक है कोई बात नहीं अभी बताता हूँ। क्या हुआ बबीता जी, आज सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला और दुकान पहुँचा। राइट। और दुकान जैसे ही पहुँचा तो क्या देखता हूँ, बाघा कोई ना कोई बहाना बना के मुझे गोडाउन में जाने नहीं दे रहा था। मतलब उसने मुझे कहा कि मेहता साहब का फोन आया था, आपको मेहता साहब के ऑफिस में बुलाया। बोला अच्छा ठीक है, मैं तो आपड़ा फापड़ा पहुंचा इनके ऑफिस पे, वहां तो मेहता साहब थे ही नहीं। तो वहां से मैंने उसको फोन किया, फिर बोलता है अरे वो कोई व्यापारी का फोन आया था, आपको वहां पे बुलाया उनकी दुकान पे। बोला ठीक है मैं वहां गया, तो वहां पे वो व्यापारी था ही नहीं। वापस उसको फोन किया, भाई ये क्या चल रहा है सब? तो फिर तो मैं कट्टा लेके सीधा दुकान में आ गया, जैसे दुकान में आया आप भी आए थे बबीता जी, याद है? हाँ। तभी भी वो बाघा कोई ना कोई बहाना बना के गोडाउन में जाने ही नहीं दे रहा था। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप गए, उसके बाद में मैं कैसे भी करके गोडाउन में पहुंच गया। जैसे गोडाउन में पहुंचा तो क्या देखता हूँ, क्या एक गुंडा बंदूक लेके खड़ा था। जेठा बंदूक नहीं रिवॉल्वर। हाँ वही हो, बंदूक लगे ही खड़ा था ना। नहीं जेठा लाल भाई, बंदूक होती है बड़ी और रिवॉल्वर होती है छोटी, रिवॉल्वर लेके खड़ा था। आप क्या मिलिट्री में थे पहले? इसमें मिलिट्री में होने की क्या बात है जेठा लाल, तो सामान्य बात है ना, बंदूक बड़ी होती है रिवॉल्वर छोटी होती है, तो रिवॉल्वर लेके खड़ा था वो। अरे भाई हमारे लिए सब बंदूक ही है भाई, अभी वो छोड़े ना मेहता साहब, वो अभी इतना अगत्य का नहीं है भाई। चलो वो लोग समझ गए, बंदूक छोटी वाली बंदूक लेके वो खड़ा था। अभी हुआ क्या था कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया था, और उसको उस लड़की को तो लव लेटर लिखना था, लेकिन उसको लिखना आता नहीं था। तो उसने क्या किया, एक अच्छे लेखक को किडनैप किया, और किडनैप करके उसने मेरे गोडाउन में उसको रखा था। और वो जो लेखक है जिसका वो गुंडा अपहरण करके लेके गया था, वो लेखक था मैं। मेरा अपहरण करके लेके गया अपनी प्रेमिका है तो प्रेम पत्र लिखवाने के लिए, और रिवॉल्वर की नोक पे मुझसे कह रहे हैं कि आप प्रेम पत्र लिखो। अरे भाई लेखक हूं मैं, लिखना एक क्रिएटिव काम होता
है, एक मूड होता है, एक माहौल होता है। आप कह रहे बंदूक की नोक लिख दीजिए। अभी आपने खुद ने बंदूक बोला मेहता साहब। अच्छा बंदूक बोला मैं? तो यार मेरा परम मित्र बोल रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ ना बंदूक। अब कह रहा बंदूक की नोक पे लिखिया, अब ये कोई बात हुई क्या? मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था मैं क्या लिखूं। मैंने मना कर दिया, मुझसे नहीं लिखा जाएगा, तुम चाहे मुझे गोली मार दो मुझसे नहीं लिखा जाएगा। तो उसने कहा मार दूंगा, 4 बजे तक का टाइम है, अगर 4 बजे तक ये लव लेटर मेरी प्रेमिका के पास नहीं पहुंचा तो मैं उड़ा दूंगा। ऐसे में जेठालाल ने कलम उठाई और जेठालाल ने कहा कि मैं लिखता हूं। जेठालाल ने फिर वो लव लेटर लिखा और उस गुंडे ने कहा कि अगर ये लव लेटर मंजू, उसकी प्रेमिका का नाम है, कि मंजू को अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। लेकिन वो लेटर जेठालाल ने लिखा और वो लेटर उसकी प्रेमिका को पसंद आया, उससे उन दोनों का मिलन हो गया और जान बच गई भाई। अच्छा? आज तक मेहता साहब मेरे फायर ब्रिगेड बनते आए हैं, आज मैं उनका फायर ब्रिगेड बना था। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। वाह वाह जेठा भाई सॉलिड। हाँ जेठा भाई आप लिख भी सकते हैं, वो आज पता चला। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मुझे कोई लिखना विखना आता नहीं है, ये तो वो बंदूक के डर की वजह से मरता क्या ना करता, घरार लिखना पड़ा। जेठा ब्रा अब तो जल्दी से ये लेटर पढ़ के सुनाओ। हाँ जी हाँ जी जरूर जरूर जरूर। तो सुनिए, ए मेरी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। जेठालाल लेटर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखा है? अरे भाई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लव लेटर लिख रहा है, ऐसा दिमाग में रख के सुनो। हाँ पोपटलाल, अरे क्या पंक्ति है भाई, क्या संबोधन है। मेरी प्यारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, क्या सिंबॉलिक संबोधन है, है ना? हाँ जरा समझाओ इसको। पर मुझे भी सिंबॉलिक जेठा। हाँ क्या मतलब क्या उसका? प्रतीकात्मक। हाँ मतलब क्या? सांकेतिक। समझा? हाँ उसको समझ में आ गया। समझ में आ गया पोपटलाल? हाँ बस तो अभी पढ़ू? प्लीज। हाँ अच्छा मैं क्या कहता हूँ, एक बार मुझे पूरा लेटर पढ़ लेने दो। हाँ मतलब बीच में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में बोलना मत, मुझे एक बार पूरा लेटर पढ़ लेने दो, ठीक है अय्यर भाई? मेरे को क्यों बोलता है, मैं किधर बीच में बोला? नहीं ये लेटर में क्या है, आगे थोड़े भारी भरकम हिंदी के शब्द आएंगे जो शायद आपको समझ में ना आए, तो बीच में मत बोल। आपको अगर ना समझ में आए तो एक कागज पे क्या है वो नोट करके रखो, फिर बाद में लेटर खत्म हो जाए उसके बाद में पूछना जो पूछना, ठीक है? हा? अभी पढ़ू? हाँ सुनाओ सुनाओ जेठाल, पर पहले से शुरू से प्रारंभ से सुनाओ। शुरू से। ए, मेरी प्यारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, तुझ पे मेरा दिल कुर्बान। वाह वाह क्या बात है जेठाल, आए आए हाय 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 हाय, ये जो ए है ना कमाल कर दिया, इस ए ने कमाल कर दिया भाई। पहले तो ये संबोधन सिर्फ सिंबॉलिक था, इस ए से पोएटिक भी हो गया। क्या कर रहे मेहता साहब, अभी तो इंस्ट्रक्शन मिला ना कि भाई कोई बीच में नहीं बोलेगा, भाई अगर कोई क्वेरी हो तो आप नोट करके रखो। पोपटलाल ये क्वेरी नहीं थी, ये प्रशंसा है, अप्रिसिएशन, तारीफ कर रहा हूँ मैं जेठालाल की कि ए ने क्या कमाल किया है। नहीं वो जो भी है भाई वो सब बाद में भाई, ये जेठालाल या तुम भाई बोल दो कि भाई जिसको जो बीच में बोलना है वो बोल सकता है। नहीं नहीं भाई बीच में नहीं, मैं तो सब बीच में। हाँ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था ना तो भावनाओं में बह गया। ठीक है ना वो छोड़ो ना, उसको नहीं समझ में आ रहा, अब बीच में अभी जाना तो बोलना, फिर से शुरू से पढ़ता हूँ, ठीक है? अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। अय्यर भाई तुम बार बार मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मैं किधर बीच में बोल रहा? ठीक है कोई बात नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा। अब कोई बोलेगा देखा, शुरू से पढ़ो ए मेरी जो है ना। हाँ से ए मेरी। ए मेरी प्यारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, तुझ पे मेरा दिल कुर्बान। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल के पावर स्टेशन का पावर गुल हो चुकेला है। तेरी सीसीटीवी जैसी आंखें जब से देखी है तब से मेरा दिल झबुक झबुक होने लगा है। जब भी मैं तेरी आवाज सुनता हूँ ऐसा लगता है
5.1 सराउंड साउंड सिस्टम बज रही है। वो कॉपर वायर जैसे तेरे सोनेरी बाल, वॉशिंग मशीन जैसे घुमावदार चाल, माइक्रोवेव जैसा तेरा मिजाज, और मोबाइल के मधुर रिंगटोन जैसी तेरी सुमधुर मीठी हंसी। तुम्हारी जिंदगी से दुखों को माइनस करके, खुशियों को प्लस करके, तुम्हें 100% प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट बना के तुम्हें पामना ही मेरा मकसद है। मैं तेरा मोबाइल और तू मेरी बैटरी, जैसे बिना बैटरी के मोबाइल कुछ काम का नहीं और बिना मोबाइल के बैटरी कुछ काम की नहीं, ठीक वैसे ही तेरे बिना मैं कुछ काम का नहीं और मेरे बिना तू कुछ काम की नहीं। तो आ आ, हम दोनों मिलके फुल चार्ज जिंदगी बिताते हैं। ओह माय गॉड, लिखितन आई लव यू, बोलने वाला आई। वाह 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 जेठा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जेठा, वाह वाह बहुत अच्छा जेठा जी। सच में आपने ये लेटर ना बहुत ही क्यूट लिखा है। आई आई आ हैं सच, थैंक यू बबीता जी। मैं जेठालाल, मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे ले क्यों? तो आज तक तुमने मुझे ऐसा लव लेटर लिखकर नहीं दिया। तुम्हारे लिखे हुए लेटर से गुंडे को लड़की मिल सकती है तो मैं तो पत्रकार, 100% सुकन्या मिल जाती। हाँ लेकिन पोपटलाल, तुम उस लेटर के चक्कर में मेहता साहब को किडनैप मत करना। कुछ भी बोल रहा है बेड़े। मेहता साहब, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे आप लोग आइए। मेहता साहब, ये लोग भिड़े, ये वही भाई साहब है जो सुबह जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकला ना, जैसे ही बाहर निकला सोसाइटी के और बाहर निकल के लेफ्ट जाने लगा, रास्ते में मेरे सर के ऊपर गोरी डाल के मुझे उठा के लेके गए लेटर लिखवाने के लिए। वही है ये। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अभी अपन गुंडा नहीं है, अभी अपन सुधर गया है, सारा गलत काम अपन छोड़ दिया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप दोनों यहाँ फिर से कोई लेटर लिखवाना है क्या? अरे नहीं नहीं, अपुन ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया, अपुन उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, और इसीलिए अपुन आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे वाह वाह, क्या है ये? इसमें परफ्यूम्स हैं। जैसे आपने अपुन की लाइफ में आज प्यार की खुशबू फैलाया ना, वैसे ही अपुन चाहता है कि आप सबकी लाइफ में प्यार की खुशबू फैलाओ, ऐसी तमन्ना है अपुन। ओहो, क्या बात है। अरे भाई, अब आपको लेटर लिखवाने के लिए किसी लेखक की जरूरत नहीं है, आप खुद लेखक की तरह बात कर रहे हैं। देखा मेरे लेटर का असर? प्यार अच्छे अच्छों को सब कुछ सिखा देता है। बेटा भाई, आपने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था ना, आ गया। अरे वाह वाह, अब्दुल एकदम सही टाइम पे आया है। आप लोग भी आइसक्रीम खा के जाना। लेकिन आप लोग सब आइसक्रीम खाए उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप भाई साहब के सौजन्य से आज जो दिन भर कुछ हुआ और जिसमें ये शानदार लेटर लिखा गया, भाई आप लोगों की प्रेम कहानी तो एक लेटर की वजह से शुरू हो गई, एक प्रेम पत्र ने आपकी जिंदगी बना दी। लेकिन कुछ आशिक ऐसे भी हैं जो यूं कहते हैं, अर्ज किया है कि यूं मेरी किस्मत और ऐसी मेरी तकदीर हो गई, इतने खत लिखे महबूबा को कि वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई।
ऐसा लव लेटर था जो जेठालाल ने लिखा उस गुंडे की प्रेमिका के लिए। कमाल हो गया भाई। कहते हैं जिंदगी में जब जान पे बनार कोई रास्ता नहीं बचता तब ईश्वर हमें एक अतिरिक्त सूझबूझ दे देता है, एक अलग शक्ति। शायद ऐसी कोई शक्ति आ गई और लेटर लिख दिया जेठालाल ने और हम सबकी जान बच गई। ये लेटर हम लोग और गोकुलधाम निवासी सदैव याद रखेंगे। तो ये तो ही इस ऐतिहासिक पत्र की बात, लेकिन मैं आपको कुछ और बताऊं उसके पहले एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपका प्रिय कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम, हम सबका कार्यक्रम 10 वर्ष पूरे कर रहा है और अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है इस 28 जुलाई को, और उस तारीख को, उस दिवस को हम विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, हंसो हंसाओ दिवस। हम हंसते हंसाते हैं। आपने भी जिंदगी में बहुत लोगों को हंसाया होगा, कुछ किस्से आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो आपको याद आते होंगे। आइए दुनिया के साथ बांटिए, हमारे पेज पे जाइए www.facebook.com/tmkoc.subtv पे, अपने हंसने हंसाने के किस्सों को यहाँ पे हमारे साथ शेयर कीजिए। आपकी कहानी, आपके किस्से अगर हमें पसंद आए तो हम पुरस्कृत करेंगे आपको, तो आप भी हंसेंगे और हंसाएंगे। तो ये तो हुई हंसने हंसाने की बात, 10 वर्ष पूरे होने की बात, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में नया दिन नए हंगामों के साथ शुरू होता है। तो देखते हैं नया हंगामा क्या है, नया दिन क्या है, बस देखते रहिए हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।